हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 और शाहरुख खान का नई रिलीज मूवी जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आज देखते हैं। गदर 2 के बारे में बात कीजिए तो गदर 2 का लगभग आपका 30 दिन हो चुका है। गदर 2 का 30 दिन हो चुका है रिलीज हुए हुए रिलीज होला 30 दिन हो गया है, और इसकी अब तक की जो कुल कमाई है गदर 2 का वो लगभग आपका है 512 करोड़। 512 करोड़ अब तक के कमा लिया है, इससे ज़्यादा कमाया है, 512 करोड़ से ज़्यादा कमाया है गदर 2। जबकि शुरुआत के 4 दिन देखिएगा तो ये 200 करोड़ प्लस था, 200 करोड़ से ज़्यादा का कमाई कर लिया था गदर 2। जबकि इसकी बजट की बात कीजिएगा, यानी कि फिल्म बनकर तैयार कितना में हुआ था, तो मात्र फिल्म बनकर तैयार हुआ था 85 करोड़ में, 85 करोड़ में। और इस फिल्म यानी गदर 2 का निर्देशक कौन था? निर्देशक थे आपका अनिल शर्मा। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये आपका अनिल शर्मा का है, और इन्होंने गदर 2 को निर्देशित किया था। निर्देशक इसका अगर पूछेगा तो निर्देशक कौन? तो अनिल शर्मा, याद रखिएगा, निर्देशक अनिल शर्मा, अनिल शर्मा। और यही आप जवान फिल्म की बात कीजिए तो जवान फिल्म जो है अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, आज मात्र इसका 4 दिन रिलीज हुआ है। इसका पहला दिन और दूसरा दिन का अगर इनकम देखिएगा तो मात्र 200 करोड़, समझिए। जबकि गदर 2 में देखिएगा तो 4 दिन में कमाया था 200 करोड़, और जबकि जवान ने मात्र 2 दिन में 200 करोड़ पार कर गया, जो कि इसका तीसरा दिन का कलेक्शन 75 करोड़ का रहा है और चौथा दिन का कलेक्शन 80 करोड़ का रहा है। इस फिल्म के अगर बजट की बात कीजिएगा तो जवान जो फिल्म है ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये जवान फिल्म का बजट है 300 करोड़, और जबकि यहाँ गदर 2 के देखिए तो मात्र 85 करोड़। और इस जवान फिल्म को निर्देशित किया है एटली ने, एटली साउथ फिल्म को जनरली एटली निर्देशित करते हैं। इसका एक नाम और है, और एटली को ही अरुण बोला जाता है, अरुण कुमार के नाम से भी ये जाने जाते हैं। मात्र इनका एज अभी 26 वर्ष हो चुका है, मात्र अभी ये सॉरी 36 साल का है, और इन्होंने निर्देशित किया है जवान का। तो होप ये दोनों कंपेरिजन आप समझ सकते हैं, यानी कि गदर 2 के तुलना में जवान जो है बहुत आगे क्या है कलेक्शन के दृष्टिकोण से निकल चुका है। तो अभी धूम मचाए हुए हैं कौन? गदर 2 के तुलना में ये जवान।